मुझे देखिए गाड़ी भी सिखवा रहा है और ये गाड़ी डैमेज हो गई है ना, चलिए दिखा रहा हूँ कैसे डैमेज हुई है। वो आते आते मैं उसको खुद बता दिया, उतना अच्छा से मैं पीछे उसको नहीं कर पा रहा हूँ, और पीछे करने में ना एकदम लीक की तरह बनी हुई थी, और उसी में मतलब करते करते इधर पेड़ था और पेड़ में ऐसे जाके रगड़ खा गया, दाहिने साइड में रगड़ा हुआ है। आइए दिखाऊँ इधर, बहुत धूप में वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है और आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे से गाड़ी डैमेज हो गया सीखते वक्त में। तो कितना डैमेज हुआ चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ, और कपिल उस पर कितना नाराज़ हुआ है वो भी आपको बताऊँगा। और उससे पहले आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई आप काम पर ध्यान दो, तो देखिए मैं काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। पर देखिए वो कुछ ऐसे लोग हैं, वही लोग लिखते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। फिर भी मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अभी देखिए दोपहर का टाइम है और खाना खाने का सोने का टाइम है, और इस टाइम में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं मतलब कि अपने टाइम में शूट कर रहा हूं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। और कुछ भाई लोग ये कह रहे थे कि पहले वाला कपिल अच्छा था कि ये अच्छा था, तो ये तो जवाब आप लोग खुद दे देंगे, मैं इसकी भी खूबी और उसकी भी खूबी बताऊँगा आप लोगों को इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, मेरा वो कपिल था ना, अगर मैं उसको बोल देता था, एक बार कापी मंगाया था कापी लिखने के लिए रफ, जिससे अरबी सीखने के लिए मैं स्टार्टिंग में गया था, तो मुझे अरबी पता नहीं था उतना, तो उसको बोला पहली बार तो 10 बार हमको बोलना पड़ा कि एक कापी ला के दे दो, एक कापी ला के दे दो, तो ला ही नहीं रहा था। एक बार मैं उसको बोला कि ऐसा है कि तुम ले के आओ और मेरे सैलरी से काट लेना, पाँच लियाल का कापी लेकर आया था। फिर ये बात मैं शायद 1-2 बार वीडियो में बता चुका हूँ, और वो 5 लियाल उस सैलरी में 1195 रुपया मतलब रियाल वो मुझे काट के दिया था। और ये कपिल की मैं कुछ खूबियाँ अगर बता दूँ तो ये देखिए, आते आते मैं मेरे से पूछा गाड़ी चलाने आता, मैं बोला कि नहीं गाड़ी चलाने नहीं आता, बोलता कि कोई बात नहीं है तुम यहाँ पे सीख लोगे और ये है तुमको सिखाने के लिए। जैसे हमारे साथ में एक मिस्त्री है ना, मैं पहले भी वीडियो में बताया था आप लोगों से। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैं कुर्सी बैठा हूँ और ऐसे पकड़े पकड़े मुझे लगता है कि हाथ मेरा हो जाएगा दर्द, तो सारी बातें आप लोगों से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे देखिए गाड़ी भी सिखवा रहा है और ये गाड़ी डैमेज हो गई है ना, चलिए दिखा रहा हूँ कैसे डैमेज हुई है। वो आते आते मैं उसको खुद बता दिया, तो बोल रहा फ्रेंड्स कि कोई बात नहीं है अभी तुम सीखो, इतना इतना से कोई मतलब नहीं है, तुम सीखो बस नेक्स्ट टाइम थोड़ा आराम से चलाना, यही सब मतलब समझा करके वो चुप हो गया। मैं तो सोच रहा था फ्रेंड्स कि लगता है पैसा वैसा ना काट ले, अभी 4-5 दिन काम किया हूँ। और देखिए पहले वाला कपिल की मैं बात बताऊँ तो कोई भी चीज़ बिना मांगे नहीं देता था, 10 बार मांगने के बाद देता था, उसके बाद पैसा सैलरी से काटता था। अगर 5 लियाल काट दिया तो 10, 20, 25 लियाल होगा तो काटेगा ही, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं फ्रेंड्स। और ये है एक दिन गाड़ी में पानी लेकर आया, रमज़ान का महीना देखिए चल रहा है, तो मुझे बुलाया, मैं गया, बोलता कि ये गाड़ी का पानी मतलब कार्टून में आता है ना, उसमें बोतल रहता है छोटा छोटा, बोलता कि इसको उतार दो, मैं उसको उतार के रख दिया। उसके बाद मुझे 10 रियाल निकाल के दिया, बोला कि ये लो ठंडा उंडा पी लेना। तो इतना अच्छा ये मतलब कपिल है फ्रेंड्स। और कुछ भाई लोग पहले कमेंट कर रहे थे कि कपिल आपका कैसा है, तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दूँ, क्योंकि अभी उससे मैं मिला ही नहीं था और बातें भी नहीं किया था, तो मैं कैसे जानूंगा। देखिए जो बाबा है वही काम करवाएगा, पर कपिल वो नहीं है, उसकी पत्नी यहाँ पे उस मामा बोलते हैं उसको, तो वही कपिल है हमारी, उसी का नाम से मतलब बीजा निकला हुआ है। तो चलिए ठीक है, इतना सारी बातें बता दी हूँ, शायद हो सकता कि आप लोग समझ सकते हैं कि वो कपिल कितना अच्छा था और ये कितना अच्छा है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा है, उससे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वो 1 रुपया नहीं देता था, 1 रुपया नहीं देता था। सुई में मंगाया था सुई, वो भी 10 बार मुझे बोलना पड़ा था। तो देखिए मैं यहीं पे बैठा था, धूप में बैठा हूँ, एकदम पूरा दोपहर हुआ है, और ये है हमारा छोटा सा एक मजरा जो कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स। इधर कपड़ा उपड़ा सुखाने के लिए है, उधर ये देखिए आम का पेड़ है, इसमें आम भी फरा हुआ है, ऐसा नहीं है अभी स्टार्ट हो गया, ये दिखाता हूँ नज़दीकी से, तो इधर ही कहीं फरा हुआ, ये देखिए फ्रेंड्स अभी स्टार्ट हो गया है, ये भी आम लगाया गया है, और इधर भी बैर का पेड़ है जो वहाँ मैं मजरे में आप लोगों को दिखाया था कि वो चाइनीज बैर एक शॉर्ट वीडियो में बनाया था और एक लॉन्ग भी बनाया था, वो भी बैर है इधर, वो भी आपको दिखाऊंगा जब फरेगा, तो अभी तो फरा नहीं है। पर चलिए आप लोगों को गाड़ी दिखा रहा हूँ कि कितना डैमेज हुआ फ्रेंड्स। देखिए गाड़ी डैमेज नहीं हुआ होता, मुझे जैसे अभी आगे चलाना आ ही नहीं रहा है, और साथ में मुझे रिवर्स भी मतलब कि करना सिखा रहा है ये आदमी, मतलब जो हमारे साथ है आदमी, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा इंसान है ये, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा इंसान है, तो रिवर्स भी करना मुझे सिखा रहा है, और उतना अच्छा से मैं पीछे उसको नहीं कर पा रहा हूँ, और पीछे करने में ना एकदम लीक की तरह बनी हुई थी, और उसी में मतलब करते करते इधर पेड़ था और पेड़ में ऐसे जाके रगड़ खा गई साइड से,
तो थोड़ा पचक गया है, चलिए दिखा रहा हूँ। तो अभी देख रहे होंगे आप लोग, दोपहर का टाइम है फ्रेंड्स, और ये है रूम हमारा, दरवाज़ा देख रहे होंगे आप लोग। ये नींबू भी है इधर, एक दो पेड़ देखिए, दो तीन पेड़ है। और उस दिन मैं वहीं पे बैठ के देखिए लाइव आया था यहाँ पे उसके अंदर, और यही है वो बैर का पेड़ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसका डाल अभी काट दिया गया है, ये देखिए। लेकिन पेड़ देखिए कितना मोटा हो गया है, अभी शायद फल नहीं आएगा इस बार, हो सकता है मुश्किल ही है। तो चलिए चलता हूँ, यहीं पे साइड में बाहर में वैसे सब लोग सोए हुए हैं फ्रेंड्स, नहीं तो इधर मैं ऐसे वीडियो शायद नहीं बनाता, क्योंकि सब यहाँ पे घर है ना, तो अगर कोई वीडियो में आ गया तो फिर सही काम नहीं होगा ना। उधर देखिए बकरिया, मौसम देखिए अभी कितना अच्छा हुआ है, सुबह में बारिश हो रहा था यहाँ पे, कल भी बारिश हुआ, आज भी बारिश हुआ फ्रेंड्स। और ये गाड़ी, अगर आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ से भी अभी निकाल ले रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ से भी मैं अभी इसको निकाल ले रहा हूँ, यहाँ से ऐसे रिवर्स करके इधर ले, देखिए आप पहिया ऐसे घुमा हुआ है, और यहाँ से ला करके फ्रेंड्स यहाँ पे खड़ा भी कर ले रहा हूँ। लेकिन अभी मैं खड़ा नहीं किया हूँ, अभी जो मुझे सिखा रहा है वही बंदा खड़ा किया है। मैं खड़ा करता हूँ तो थोड़ा इधर से साइड ही खड़ा होती है, मेरे से इतना अच्छा से नहीं हो पा रही है। नहीं इधर नहीं है, दाहिने साइड में रगड़ा हुआ है, आइए दिखाऊँगा इधर कैसे रगड़ा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए यहीं से रगड़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ देखिए यहाँ से मारा है, यहाँ से मारते मारते यहाँ देखिए पेंट उन पूरा निकल गया भाई साहब, यहाँ पूरा पचक गया है। यहाँ से कैसे मैं आपको दिखाऊं कि पता चले कि पूरा पचक गया है। और यहाँ देखिए यहाँ से आ करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक आई तो गाड़ी अपने यहाँ पे बंद हो गई, मतलब कि पूरा जाम हो गई ना, आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, पेड़ में एकदम जाके लग गया इसे बैक करने में। तो वहीं पे मुझे उतार के बेचारा अपने बैठा, और बैठ करके फिर वो आगे किया, और आगे करने के बाद फ्रेंड्स तब जाके ये गाड़ी वहाँ से निकली। और उसके बाद बोला फ्रेंड्स कि उस मजरे में तुम मत जाना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डेंजरस जगह है, रास्ता नहीं है अच्छा। तो इसके पास छः मजरा है, और छः मजरे में घास ही लगाया हुआ है फ्रेंड्स, सब मुझे ही काटना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि काम बहुत ज़्यादा है मजरे में, तो हाँ काम तो बहुत ज़्यादा है, सही बात है, छः मजरा है जिसमें घास काटना है, और इतना बकरियाँ हैं, इतना भेड़ है सब, उसी पे पांच छः गाय हैं सब, चार का तो नहीं, चार नहीं तीन है, तीन का तो दूध निकालना है, और एक अभी बच्चा देने वाली है, और एक बाछी है वो भी बड़ी हो गई, और एक बाछा है जो सांड बोलते हैं। इतना सब खिलाना पिलाना देखभाल करना है, और इसीलिए मुझे गाड़ी सिखा रहा है कि मैं गाड़ी से जाऊँ, सारा कुछ बरसीन घास जो भी है काट के लेके आ जाऊँ, और अपना सब कुछ संभाल लूँ, उसके बाद ये बेचारा चला जाएगा। तो देखिए काम तो है, पर काम से मुझे कोई टेंशन नहीं होता, मैं पहले भी वीडियो में बताया था, कोई भी टेंशन, ये शरीर किस काम का है फ्रेंड्स। अगर इस शरीर से कमा करके परिवार को खिला पिला ना पाए आदमी, तो फिर इस शरीर से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए काम से मैं डरता नहीं हूँ, पहले भी बताया था वीडियो में, मेरे पीछे कोई गिर करने वाला ना हो, बस कोई चिल्लाने वाला ना हो पीछे घूम के। काम देखिए काम छोटा ही हो, अगर मालिक आपके पीछे पीछे एकदम खड़ा होकर घूमे ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। वही हालत मेरा भी हो जा रही थी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जब से मैं आया हूँ कभी ऐसा काम नहीं हुआ है, किसी दिन भी पीछे घूमा ही नहीं है। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का, हो सकता है कि बंदा चला जाए तो मैं थोड़ा और फास्ट मारूंगा काम, और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर मैं वीडियो बना सकता हूँ, और हो सकता है कि हमेशा मैं वीडियो डालूँ डेली बाई डेली। तो अभी तो मेरे ख्याल से गलत कमेंट नहीं आएगा कि भाई आप काम पे ध्यान दो। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक मत करिएगा कोई बात नहीं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत धूप में वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब।